हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक के जितने भी सन में आपसे मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन एक एक करके आप लोग देखना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस चैनल पर जाइए। आपको हर सन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर्व करके बताया गया है मैथ का, जैसे 2014 का प्रथम पाली हो गया, द्वितीय पाली हो गया, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी का सोल्यूशन करके, एक एक सोल्यूशन करके बताया गया है, ठीक है। तो जाइए वीडियो को देखिए और अच्छा लगे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। उससे पहले चलिए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सोशल साइंस में उसे हम याद कर लेते हैं, आपका एग्जाम भी नज़दीक आ चुका है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। ऑप्शन है प्रगतिशील प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, रूढ़िवादी और डी नंबर में शोषणकारी प्रवृत्ति, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या देंगे, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, प्रगतिशील प्रवृत्ति, आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, याद रहेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, प्रभाव क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है, स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है। तो तीन नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, संपत्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक प्रयोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। तो चार का आंसर आपका क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चार का आंसर क्या होगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पाँच नंबर क्वेश्चन कहता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। यह क्वेश्चन एक बार नहीं बल्कि हजारों बार आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा महानगर में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची, 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची, तो 40 लाख तक पहुँची। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अब दोस्तों सात नंबर हम प्रश्न देखेंगे, ठीक है। सात नंबर प्रश्न देखिए, तो सात नंबर प्रश्न कहता है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो सात का आंसर क्या हो जाएगा, सात का आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 1870 ईस्वी में लागू हुई थी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर सही आंसर होगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आठ नंबर, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो आठ का आंसर आपका डी नंबर रहेगा, मध्य वर्ग, ठीक है, मध्यम वर्ग, ठीक है। आंसर आपका डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो नौ का आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, सभी वर्ग का, ठीक है, सभी वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, पूंजीपति वर्ग के द्वारा, ठीक है, सभी वर्ग का शोषण हुआ। आंसर आपका क्या होने का, नौ का डी नंबर हो जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन, टेनेमेंट्स क्या था। तो आंसर आपका दस का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, कामच लाऊ मकान था, ठीक है। आंसर आपका ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी थी, ठीक है। तो 11 का आंसर आपका ए नंबर होगा, लंदन में बनी थी, यानी कि लंदन की पेडिंगटन और फेरियन स्ट्रीम के बीच बनी थी। आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी, यानी कि कब बनी, ठीक है। तो 12 का आंसर आपका ए नंबर होगा, 1863 ईस्वी में बनी थी, ठीक है। आंसर आपका ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, ठीक है। यह 15 में पूछा जा चुका है, ठीक है, 15 के सेकंड पाली में, ठीक है। तो यहाँ पर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, एबेनेजर हावर्ड, ठीक है। खूनी रविवार किसे कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 14 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को, ठीक है, खूनी रविवार, आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। तो 15 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आपका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, 1898 ईस्वी में, ठीक है, याद रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था,
तो अनाज रखने के लिए, ठीक है। 15 का आंसर आपका, 16 का आंसर आपका सी नंबर बन हो जाएगा, ठीक है। पटना का गोलघर किस मतलब के उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, पटना का प्राचीन नाम क्या था, पटना का प्राचीन नाम क्या था, ये तो सभी बता सकते हैं, पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर बी नंबर रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बोला ही था कि अगर आपको किसी मतलब कि मैथ के हर सन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन देखना चाहते हो तो जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक चैनल का लिंक मिलेगा, उस चैनल पर क्लिक कीजिएगा तो आपको 2014 का प्रथम पाली, 2015 का प्रथम पाली, 2014 का सेकेंड पाली, 2015 का सेकेंड पाली के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी का सोल्यूशन एक एक करके बताया गया है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में वहाँ पर नहीं आता है तो आप तुरंत उसी टाइम उस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, फिर हमें दोबारा इसे अच्छे तरीके से समझाइए, मैं आपको ज़रूर समझाऊँगा, ठीक है।